श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और आप हमारे दूसरा चैनल अन्नपूर्णा फूड और डिवाइन मंत्र भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि दिवाली से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके मंदिर में कहीं वो चीज़ मिसिंग तो नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो है 11 चीज़ें। दीपावली पर हर कोई विधि विधान से पूजन करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा ना कर सके तो ये सुनिश्चित करें कि मंदिर में कम से कम 11 प्रकार की वस्तुएं जरूर हो। इनसे पूजा के समस्त दोष दूर होते हैं और घर में शुभता आती है। पहली चीज, देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी जी को अपने घर के मंदिर में सदैव रखना चाहिए। फिर भगवान कुबेर। घर के मंदिर में भगवान कुबेर की एक मूर्ति रखने से लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। भगवान कुबेर समस्त संसार के धन के स्वामी हैं। फिर है छोटा सा नारियल। छोटा नारियल एक बड़ा नारियल होता है, तो छोटा नारियल। ये नारियल सामान्य नारियल की तुलना में आमतौर पर छोटे होते हैं। ये लक्ष्मी का फल है, इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। घर में इस नारियल की पूजा करने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। फिर कौड़ी। कौड़ी समुद्र से निकलती है। देवी लक्ष्मी के का जन्म भी समुद्र से हुआ है, इसलिए कौड़ी देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। फिर मोती शंख। यह एक चमत्कारी शंख माना जाता है और इसे रखने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। फिर चांदी के गणेश। घर के मंदिर में गणेश की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। यह मूर्ति पूजा में विशेष स्थान रखती है। फिर श्री यंत्र। यह यंत्र के राजा के रूप में माना जाता है। इसे पूजा घर में रखने से धन दान की कमी नहीं रहती है। फिर रजत पादुका। देवी लक्ष्मी की चांदी की चरण पादुकाएँ घर के मंदिर में रखने से साक्षात लक्ष्मी के घर का वास होता है। यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए भी घर में रख सकते हैं। मनोकामना पूरी होने पर इसे मंदिर में दान दिया जा सकता है। फिर है कमलगट्टा। यह कमल का बीज है और लक्ष्मी जी कमल के बीज की माला पहनती हैं। माँ लक्ष्मी को कमल के बीज की माला पहनाने से वह प्रसन्न रहती है। फिर चांदी का हाथी। माँ लक्ष्मी को हाथी बेहद प्रिय है। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। दीपावली से पूर्व हाथी लाकर मंदिर में अवश्य रखें। इससे हर प्रकार के संकट का नाश होता है और सौभाग्य और ऐश्वर्य में अभिवृद्धि होती है। फिर एक कामधेनु। मंदिर में छोटी सी कामधेनु बछड़े के साथ रखने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।